सुप्रभात बच्चों, कक्षा दो के हिंदी साहित्य में आप सबका स्वागत है। आज आप सबको सेकंड टर्म फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए हिंदी साहित्य में पाठ 10 से 12 और 14 के सभी प्रश्नों का दोहराव कार्य कराया जाएगा। हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से एक साथ ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य में पाठ्य पुस्तक अनमोल रतन से और व्याकरण में व्याकरण आनंद से प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, परीक्षा में यह जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न पाठ के अंत में दिया गया है वही प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पाठ के बीच से भी बनाकर पूछे जाते हैं, इसलिए आप सब पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। आगे आप सब बोर्ड पर ध्यान दें। प्रश्न एक, पाठ के आधार पर खाली जगहों को भरें। क, चूहों से छुटकारा पाने के लिए डैश पाली गई। चूहों से छुटकारा पाने के लिए क्या पाली गई? बिल्लियां पाली गई। टेलीविजन का हिंदी शब्द डैश है। टेलीविजन का हिंदी शब्द क्या है? दूरदर्शन। दूरदर्शन। प्रश्न दो, ये वाक्य किसने किससे कहा है? क, तेनाली को 100 कोड़े मारिए। बच्चों, इसमें कहने वाले और सुनने वाले दोनों का नाम लिखना है। उत्तर, राजा ने सैनिकों से कहा। राजा ने सैनिकों से कहा। ख, यह बिल्ली दूध नहीं पीती है। यह वाक्य किसने किससे कहा? तेनाली राम ने राजा से कहा। तेनाली राम ने राजा से कहा। प्रश्न तीन, सही कथन पर सही का निशान और गलत कथन पर गलत का निशान लगाएं। क, तेनाली राम की बिल्ली सबसे मोटी थी। तेनाली राम की बिल्ली सबसे मोटी थी, यह सही है या गलत है? गलत है। ख, दूरदर्शन द्वारा व्यक्ति घर बैठे दूर की वस्तुओं को देख सकता है। यह वाक्य सही है या गलत? सही है। बच्चों, विद्यालय के वेबसाइट से देखकर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।